2.4.1 भूमि निम्नीकरण और गरीबी। देश के सबसे गरीब समुदाय निम्नकृत भूमि पर आश्रित हैं। वे या तो गरीब पशुपालक हैं या फिर निम्न गुणवत्ता वाली भूमि पर खेती करने वाले गरीब व सीमांत किसान व आदिवासी हैं। अन्य किसी आजीविका के संसाधन के अभाव में वे इस निम्न भूमि का और दोहन करने पर मजबूर हो जाते हैं, जिसके कारण निम्नीकरण और तेज हो जाता है। अक्सर गरीबी के कारण ये समुदाय जमीन के संवर्धन के लिए उचित उपाय भी नहीं कर पाते हैं। इसी तरह गरीबी और भूमि निम्नीकरण एक दूसरे के कारण बनकर एक कुचक्र स्थापित करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि इन प्रदेशों में भूमि संवर्धन का जिम्मा सरकार उठाए और गरीबों की आजीविका और भूमि की गुणवत्ता की रक्षा करे। 2.4.2 भूमि प्रबंधन। भूमि एक स्थिर संसाधन है, किंतु जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है, हमारी जीवन शैली बदल रही है, नगरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। इन सब का असर भूमि पर स्पष्ट रूप से पड़ता दिख रहा है। लोग नगरों की ओर पलायन कर रहे हैं, जिस कारण नगरों का बेतरतीब विस्तार हो रहा है। कल तक जो खेत फसल से लहलहाते थे, आज उनमें इमारतें निर्मित हो चुकी हैं। जिस भूमि में वनों का विस्तार था, उस पर कृषि उत्खनन आदि हो रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम भूमि का प्रबंधन कर उचित तरीके से उपयोग करें। भूमि के प्रबंधन के लिए निम्नांकित तरीके अपनाए जा सकते हैं। पहला, नगर एवं गांव का नियोजित विकास। नगरों एवं गांव का विस्तार बेतरतीब ढंग से कृषि भूमि का अतिक्रमण कर रहा है, जबकि नगरों के बीच में भी खाली जमीन उपलब्ध होती है। यदि नगरों और गांव का नियोजित विकास हो, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। दूसरा, बंजर भूमि का उपयोग। बंजर भूमि का उपयोग दो तरह से किया जा सकता है। पहला, तो इस पर अकृषि कार्य किया जा सकता है, जैसे उद्योग, आवासीय उद्योग, और दूसरा, इसका विकास कर इसे चराई अथवा कृषि भूमि में परिवर्तित किया जा सकता है। इससे एक तो कृषि भूमि का विस्तार होगा एवं दूसरी बेकार भूमि का उपयोग हो सकेगा। तीसरा, परती भूमि का उपयोग। परती भूमि खास करके जो एक वर्ष से अधिक समय के लिए छोड़ी जाती है, उसका उपयोग कृषि या बागवानी के लिए किया जा सकता है। इससे उत्पादकता में वृद्धि होगी। चौथा, वन संरक्षण एवं वन रोपण। वन एक ऐसा संसाधन है जिसका दीर्घकाल में नवीनीकरण किया जा सकता है, अतः इसका व्यवस्थित उपयोग किया जाना बेहतर होगा। वनों से पुरानी वृक्षों का उतनी ही मात्रा में काटा जाए जितना लगाना संभव हो सके। भारत के 23% भूभाग पर वन है। पर्यावरण संतुलन के लिए इसमें विस्तार किया जाना चाहिए। पांचवा, मृदा क्षरण का रोकथाम। अपरदन या कटाव, कचरा जमाव, रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक के उपयोग इत्यादि के कारणों से मृदा का क्षरण हो रहा है, जिससे मृदा की उत्पादकता एवं कृषि भूमि में कमी होती है। मृदा क्षरण की रोकथाम कर इसकी उत्पादकता में वृद्धि की जा सकती है। छठवा, घर के आसपास की भूमि का उपयोग। गांव या मोहल्ले में घरों के आसपास काफ़ी खाली जमीन होती है। इस भूमि पर मौसमी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं। लोग घर के आसपास की भूमि का भी उपयोग इस प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए कर सकते हैं।